जनता पार्टी का महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है वो शिंदे के वजह से। 400 पार का नारा है मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की कीमत है। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले रार बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन के खराब प्रदर्शन को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे के बयान ने नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल सीएम शिंदे ने बयान देते हुए बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर सवाल उठाया है। शिंदे ने खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और लोकसभा चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा, लेकिन कुछ इलाकों में इसे लेकर निगेटिव नैरेटिव सेट किया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण कम हो जाएगा। शिंदे के इसी बयान को लेकर अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने शिंदे को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। राउत ने क्या कुछ कहा है सुनिए। जनता पार्टी का महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है वो शिंदे के वजह से हुआ है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजीत पवार और शिंदे की वजह से हुआ। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजीत पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की कीमत है, बोलिए मोदी जी को, मोदी जी आपने 400 पार का नारा दिया लेकिन आप 200 पार भी नहीं पार कर सके। वहीं एकनाथ शिंदे ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा था वो पूरा बयान सुनिए। पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं, मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा एक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान उनके सरकार में है, हम पुराने साथी है।